छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मौजूद कांग्रेस दफ्तर में आज कांग्रेस नेता के समर्थकों ने जमकर कोहराम मचाया। उसी की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। देखिए कैसे कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टेबल, कुर्सियां सब कुछ तोड़ डाला। इतना ही नहीं, कांग्रेस के ऑफिस में पेट्रोल छिड़क कर खिड़कियों और दरवाजों को जलाने की कोशिश भी की गई। दरअसल इस तोड़फोड़ और हंगामे की वजह है बिलासपुर के कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव का टिकट कटना। बिलासपुर सीट से अटल श्रीवास्तव की बजाय शैलेश पांडे को उम्मीदवार घोषित किया गया। बस फिर क्या था, अटल श्रीवास्तव के समर्थक भड़क गए। कांग्रेस भवन में जाकर अटल श्रीवास्तव के समर्थकों ने कैसे तोड़फोड़ की, उसकी तस्वीरें आपके सामने। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अब गिनती के दिन ही बचे हैं। और क्या है इन राज्यों में चुनावी माहौल, देखिए चुनाव टॉप फाइव में। आज बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। इस बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव के लिए सीटों पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। चुनावी चर्चा में शामिल होने के लिए पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवराज सिंह के साथ कई बड़े नेता मीटिंग में मौजूद थे। देर शाम तक मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। 130 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा आज हो सकती है। मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं की फूट खुलकर सामने आ गई। बीती रात 10 जनपद पर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह में जोरदार बहस हुई। खबर है कि अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए राहुल के सामने ही दोनों नेता आपस में भिड़ गए। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच टू टू मैं होती रही। दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी के बीच में गुत्थम गुत्थी हो रही है, हाथापाई होने की नौबत हो गई है। राहुल गांधी जी वहां मौजूद थे, आप देख रहे हैं किस प्रकार की अनीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खुद कांग्रेस की पार्टी के अंदर है। हंगामे और बहसबाजी से नाराज राहुल गांधी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें अशोक गहलोत, वीरप्पा मोइली और अहमद पटेल शामिल हैं। आजकल राहुल बाबा भी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, क्या भाषण देते हैं भाई, पता नहीं कौन लिख के देता है, तो कुछ का कुछ बोल जाते हैं। और आरोप लगाने के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि प्रमाण है, तो कह लग गलती हो गई, कंफ्यूज हो गया मैं, कंफ्यूज बारे कंफ्यूज होने वाले भैया। जनादेश यात्रा पर निकले शिवराज सिंह ने भरी सभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकी ले ली। एमपी में चुनावी दौरे कर रहे राहुल के बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता को बरगलाने के लिए पहले तो अनाप शनाप बोल देते हैं, जब उसका प्रूफ मांगा जाता है तो वो कहते हैं मैं कंफ्यूज हो गया। राहुल के इस बयान पर तंज कसते हुए शिवराज ने कहा कि ऐसे कंफ्यूज नेता देश चला पाएंगे। सबको पता होना चाहिए कि 2019 में मोदी जी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। सबको पता होना चाहिए कि 2018 में डॉक्टर रमन सिंह जी फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार सरकार बना रहे हैं। और आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं कि उस भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा होने के कारण मैं भी बहुत पावरफुल व्यक्ति रहूंगा, ये चीज आप लोगों को पता होगा। और आप लोग जो सही चीज के लिए, सही चीजों के लिए मेरा साथ देंगे, उनके लिए मैं हमेशा साथ रहूंगा। जो सही चीजों के लिए साथ नहीं देंगे, उनके ऊपर मैं कहर बनकर टूटूंगा, ये याद रखिएगा। ये धमकी आईपीएस से नेता बने ओपी चौधरी की है, जो छत्तीसगढ़ के खरसिया से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चुनावी सभा के दौरान ओपी चौधरी ने खुलेआम जनता को धमकी देते हुए कहा कि रमन सरकार बनने के बाद जिसने साथ नहीं दिया, उस पर मैं कहर बनकर टूटूंगा। वो लहर नहीं है जैसे कि 2013 में और 14 में, तो अब सामान्य स्थिति में कैंडिडेट किस पार्टी कितने अच्छे होंगे, और ये यही पार्टी ने निश्चित किया है कि सर्वे के आधार पर जो जीतता हुआ कैंडिडेट रहेगा। ये मध्य प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल गौर हैं, जिनका मानना है कि इस बार सूबे में मोदी की वो लहर नहीं है जो साल 2013-14 में थी। बाबूलाल गौर एमपी के सीएम रह चुके हैं, गोविंदपुरा सीट से रिकॉर्ड 10 बार विधायक जीत करा चुके हैं। ऐसे में चुनाव से पहले उनका यह आकलन साफ जाहिर करता है कि इस बार बीजेपी के लिए चुनावी रण जीतना आसान नहीं है। 26 दिन बाद मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी और चुनावों से पहले कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन आज शिवराज के ब्रह्मास्त्र से कंप्यूटर बाबा हार्डवेयर ही
उड़ गया। कंप्यूटर बाबा से महामंडलेश्वर का पद छीन लिया गया, अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। आखिर क्यों शिवराज से पंगा कंप्यूटर बाबा को महंगा पड़ा, आप भी देखिए। कंप्यूटर बाबा का हुक्का पानी बंद हो गया। आज से नामदेव दास उर्फ कंप्यूटर बाबा का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। बाबा की बगावत पर जटाधारियों का एक्शन शुरू हो गया। अखाड़े को ये निर्णय लेना पड़ गया और आज हमने ये निर्णय ले लिया है कि हमने उनको अखाड़े से बहिष्कृत कर दिया है। मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान में शिवराज के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार करने वाले कंप्यूटर बाबा के आज पर खतर दिए गए। कंप्यूटर बाबा से महामंडलेश्वर का पद छीन लिया गया, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अखाड़े से बाहर निकाल दिया गया। ये वही कंप्यूटर बाबा है जो शिवराज सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री थे, महामंडलेश्वर थे। सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चुटिया बांधी तो सारी पदवियां एक झटके में छिन गई, एक साधारण से बाबा बनकर रह गए, यानी कंप्यूटर बाबा का सर्वर डाउन कर दिया गया। अखाड़े की मान मर्यादा का हनन हो रहा था, इसलिए हमने एक बैठक करके महामंडलेश्वर कंप्यूटर नामदेव दास उर्फ कंप्यूटर बाबा को हमने दिगंबर अखाड़े से उसको निष्कासित किया और आगामी कुंभ 2019 हमारा इलाहाबाद प्रयाग में होने जा रहा है, वहां भी हम उनको प्रवेश नहीं देंगे। उज्जैन में दिगंबर अखाड़े की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। हैरानी की बात यह है कि अब कंप्यूटर बाबा को प्रयाग कुंभ में अखाड़े की तरफ से जमीन भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आगामी कुंभ मेले में कंप्यूटर बाबा को एंट्री भी नहीं दी जाएगी। बाकायदा अखाड़े की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कंप्यूटर बाबा को अखाड़े से निकाले जाने की बात कही गई। अखाड़े की तरफ से जो पत्र जारी किया गया उसमें साफ लिखा गया है कि कंप्यूटर बाबा ने स्वयं के हित को साधने के लिए साधु संतों की मर्यादा का उल्लंघन किया। आरोप ये भी लगाए गए कि बाबा अखाड़े की आड़ में भगवाधारियों और जनता को बरगला रहे थे, सूबे में संत समागम कर सरकार के खिलाफ साधु संतों को लामबंद कर रहे थे। ऐसे में पंच दिगंबर अनी अखाड़े ने नाम देवदास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा पर यह कठोर कदम उठाया। जब जब भी साधु मर्यादा का उल्लंघन करेगा वो स्वयं तो मुसीबत में पड़ेगा लेकिन समाज को कंफ्यूज कर देगा, इसलिए समाज हमारे किसी व्यवहार के कारण भ्रमित ना हो इस पर रोक लगाने की दृष्टि से अखाड़ा परिषद ने आज ये कठोर निर्णय लिया। मैं अखाड़ा परिषद का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यानी शिवराज सरकार के खिलाफ बगावत करना कंप्यूटर बाबा को भारी पड़ गया। सरकार को चुनौती देने वाले कंप्यूटर बाबा के खिलाफ शिवराज सिंह ने साधु संतों की फौज खड़ी कर दी, लेकिन कंप्यूटर बाबा अब भी हार मानने को तैयार नहीं। खुद को अखाड़े से बाहर निकाले जाने के बाद कंप्यूटर बाबा कैमरे के सामने आए और तो भी तैयार हूं मैं, पर धर्म की रक्षा के लिए सदा मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मां नर्मदा के आंचल को दागदार नहीं होने दूंगा। कंप्यूटर बाबा ने खुलेआम जंग का ऐलान करते हुए साफ कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी कुछ भी कर ले लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। शिवराज सरकार बीजेपी सरकार कितने हथकंडे अपना ले, कंप्यूटर बाबा के निजी जीवन में जो प्रहार करना कर दे, पर कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी धर्म की रक्षा सदा करते रहेगा। जो हथकंडा अभी तक दबाते ही आई है, सबको दबाती आई है, कंप्यूटर बाबा को नहीं दबा पाएगी। जो हथकंडा कर ले, पर इनके उजागर करूंगा इनके काले चिट्ठा। इन्होंने 15 वर्ष तक लगातार मूर्ख बनाया है, सनातन धर्म का मूर्ख बनाया है, धर्म का मूर्ख। कंप्यूटर बाबा का क्रोध सब कुछ भस्म कर देने पर आमादा है क्योंकि जो दांव उनके खिलाफ चला गया है उसने बाबा को चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन ये सियासत है और सियासत में कुछ भी संभव है। अब देखना यह है कि ये लड़ाई जीतने के लिए कंप्यूटर बाबा अपने सॉफ्टवेयर को कैसे अपग्रेड करते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में धर्म युद्ध चल रहा है और शिवराज ने बागी तेवर वाले कंप्यूटर बाबा को अपने दाव से शांत किया था। इसी बीच एक और भगवाधारी चुनावी मैदान में कूद चुका है। मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी सियासत में एंट्री की है, महाकाल की नगरी से शिवराज सरकार को चुनौती दी। महाराज बोले भगवान मिल जाएंगे लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले तुम्हें अपना सर्वस्व त्यागना पड़ेगा। बोले ये भी कोई बड़ी बात है, ये लो। दूसरे दिन उतार अपने राजकुमार को राजा बनाया और चलाया बाबा के पास में, लो जी महाराज। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के मुखारविंदों से एक कथा तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अब आप देखेंगे उनका राजनीतिक अवतार। देवकी नंदन ठाकुर ने राजनीति में कदम रख दिया है।
मध्य प्रदेश की सियासत में हाई प्रोफाइल सन देवकी नंदन ठाकुर की औपचारिक एंट्री हो चुकी है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर मध्य प्रदेश के चुनाव में ताल ठोक कर उतर गए हैं, रोड शो कर रहे हैं, नेताओं की तरह मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक से पूरी तरह नेता बन चुके हैं। कथावाचक की नेतागिरी आप देख सकते हैं। कार पर सवार होकर उज्जैन की सड़कें नाप रहे हैं, ढोल नगाड़ों के बीच लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। जो हाथ कल तक कथा सुनने के लिए भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उठते थे, वही आज नेताओं की तरह अभिवादन करते हुए हिल रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने आज उज्जैन की सड़कों पर अपनी ताकत दिखाई। देवकी नंदन ठाकुर सर्व समाज कल्याण पार्टी नाम की राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और ऐलान किया है कि उनकी पार्टी एमपी की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो पार्टी हमने जिनका साथ हम दे रहे हैं वो सर्व समाज कल्याण पार्टी, वो ये मध्य प्रदेश का इलेक्शन लड़ेगी और उसमें हमें जितनी भी भूमिका दी जाएगी प्रचार को लेकर, जितनी लोग भी वो कहेंगे हमारी व्यस्तता को देखकर, हम उतना प्रचार मध्य प्रदेश में उस पार्टी के लिए करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जब एमपी में सभी नेता चुनाव जीतने के लिए महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं तो भला कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर क्यों पीछे रहते? रोड शो से पहले वो महाकाल मंदिर में गए। देवकी नंदन ठाकुर ने महाकाल की पूजा अर्चना की, मंत्रों के बीच दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया, महाकाल की आरती उतारी और मध्य प्रदेश में चुनाव की जीत की कामना की। देवकी नंदन ठाकुर SC/ST एक्ट में बदलाव की मांग को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया था जिसकी डेडलाइन 4 नवंबर को खत्म हो रही है। हालांकि देवकी नंदन ठाकुर ने पार्टी में कोई पद नहीं लिया है, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये भी अभी साफ नहीं है।